ନେପାଳର ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରୁ ଆସିଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର। ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରରେ ହିଁ ହବ, ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ହିଁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ମୋ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ପଥର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ନେପାଳରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଜୀଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଆସିଛି କାହା ସାୟା ହେ କେସେ ଏ ବିଗ୍ରହ ହବ। ନେପାଳ ଯୋ ହେ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯୋ ହେ ପୋଖରା ନଦୀ ସେ ଆଏ ହେ। ଇଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଯୋ ହେ ହମାରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ନାରାୟଣ ଅବତାର ହେ। इसीलिए राम जी की जो प्रतिमा स्थापित की जाएंगी, मूर्ति जो बनेगी राम जी की, ये शालिग्राम शिला से ही बनेगी। जो कि जो शालिग्राम शिला ये आपके सामने विराजमान है, वो जो मूर्ति रखी शिला रखी गई है माता जानकी जी के लिए आए हैं। दो शिला जो है ये दो आए हुए हैं नेपाल से, और तीन शिलाएं जो भी आए हैं ये आपको हनुमान जी के लिए और सबरी माता के लिए और गणेश जी के लिए। ये तीन शिला जो है आपको राजस्थान जी से आए हैं, बाकी तीन शिला वो उधर जो लास्ट में रखे गए हैं, तीन शिला लास्ट में रखे गए हैं वो कर्नाटक से आए हैं, भक्तगण दान किए हैं। वो भक्त लोगों का कहना है कि हमारे भी कुछ अंश लग जाए राम जी के गर्भगृह में, तो तीन शिला से आपको भरत जी और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के लिए वो तीन शिला लास्ट वाले जो है ये इस शिला से जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाएगी, ये सबरी माता के लिए, ये जानकी मैया जी जी लास्ट, ये हनुमान जी के लिए मूर्ति है। जो भाई भाव देखुं नेपाल गंडुकी नदी कूल शाळग्राम पथर एवं किसी राजस्थान पथर अच्छी जो थे कि ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସହ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ତିଆରି କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିଳା, ଇଏ ଯୋଉ ଦୋ ଶିଳା ହେନା କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ତିଆରି ହେଲେ? ଇଏ ତିନି ଶିଳା ହେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ, ଶ୍ୟାମ ଶିଳା ଇନକା ନାମ ହେ, ଇନକା ନାମ ହେ ଶ୍ୟାମ ଶିଳା। ये तीन श्याम शिलाएं जो आए हैं कर्नाटक से, ये भरत जी के लिए आए हैं, भैया लक्ष्मण के लिए आए हैं और शत्रुघ्न जी के लिए हैं। तीन भैयों की मूर्ति यहाँ से बनेंगे और शालिग्राम शिला जो वहाँ आगे रखी गई है और भैया राम जी के लिए वहाँ बने हैं। चारों भैया की मूर्ति स्थापित की जाएंगी गर्भगृह राम जन्मभूमि पर स्थापित है, जो कि भगवान राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण 22 जनवरी को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर दिए हैं। 22 जनवरी को मतलब उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे हमारे राम जी। इसीलिए अब की बार अयोध्या का जो दीप उत्सव भव्य उत्सव मनाया गया है। अपन देखुले नेपाल राजस्थान कर्नाटक तीनोटी राज्यरु पत्थर आसी एवं एही पत्थर ही भाई शाळग्राम पत्थर ही ଭଗବାନ ରାମଲାଲା, ମାତା ଜାନକୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।